युवक की पिटाई पर ओबीसी महासभा ने धरना दिया। थाना प्रभारी बोले, थाने में कोई मारपीट नहीं की गई है। बहुत ही 3 दिवसीय पूर्व थाने में गुमशुदा बहन से मिलने आए युवक नरेश लोधी पुत्र मेवा लाल लोधी उम्र 26 वर्षीय की थाने में पदस्थ प्रियंका पराशर द्वारा पिटाई का आरोप लगाकर ओबीसी महासभा ने थाना परिसर में धरना दिया। थाना प्रभारी द्वारा इस बात को नकारते हुए कहा, युवक और उसकी बहन में कोई वाद विवाद हुआ होगा, थाने में किसी तरह की पिटाई नहीं की गई है। नरेश के भाई स्वामी लोधी ने बताया, मेरी बहन 20 दिन पूर्व गजोरा के युवक के साथ भाग गई थी। हमारे द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में की गई। हमें पता चला था कि बहन थाने में आ रही है। थाने पर उससे मिलने हम दिनांक 19 जनवरी को आए थे। वही हमारी गजोरा के युवक के साथ बहन मिल गई थी। हमने बहन को घर ले जाने के लिए कहा तो प्रियंका परासर ने पुलिस आरक्षकों द्वारा भाई नरेश को इतना पीटा कि उसे शिवपुरी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ओबीसी महासभा के अध्यक्ष जीतू लोधी का कहना था, प्रियंका परासर के खिलाफ कार्यवाही की जाए। वहीं थाना प्रभारी ने कहा, थाने पर किसी तरह की कोई मारपीट नहीं की गई है। बहन बालिग थी और ये लोग उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाना चाहते थे। वह अपने भाई के साथ जाने से मना कर रही थी। संभवतः भाई बहन में कोई झगड़ा हो सकता है। हालांकि ओबीसी महासभा कार्यवाही होने तक थाना परिसर में धरने पर बैठ गई और नारेबाजी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद के नारे, पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद के नारे, कई नेताओं और मंत्रियों के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। संवाददाता दीपक निगोती की रिपोर्ट। ओबीसी महासभा के कुछ लोग यहां मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट और पैसे की मांग की गलत तरीके से। बिल्कुल ये गलत बात है। असल में कुछ दिन पहले एक कल्लू वाइफ ऑफ जितन लोधी, मतलब अभी जो वर्तमान उसका पति जितन लोधी उसके साथ रह रही है, ढला की रहने वाली है, ससुराल है उसका ढला में, विनोद लोधी उसका हस्बैंड है। कुछ दिन पहले वो चली गई थी गुमशुदगी थाने पर पंजीबद्ध हुई थी। तो महिला दस्तयाब हुई थी, अभी जिसके साथ वो रह रही है उसके साथ यहाँ पर थाने पहुंचती हुई थी, तो दस्तयाबी की कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान इसका पूर्व पति जेठ और भाई थाने पे आ गए थे और महिला से साथ में जाने की बोल रहे थे, जबकि वो पुराने पति के साथ नहीं जाना चाह रही थी। महिला बालिग है तो अपनी शिक्षा अनुसार जा सकती है। तो उसी दौरान बहन भाई में आपस में जो भी कहा सुनी हुई है, धुमा झटकी जैसा हुआ है, तो सजने के कारण या जिस भी कारण से इस तरह से हुआ है, तो पुलिस ने इसका मेडिकल भी कराया है नरेश लोधी का। तो उसको ऐसी कोई चोट नहीं थी और जिस तरह से कहा जा रहा है कि पुलिस ने कोई मारपीट की है, तो चोट कोई ऐसी नहीं आई है। उसने इस तरीके से नहीं बोलने के कारण उसको शिवपुरी अस्पताल रेफर किया गया था। और बाकी जो बता रहे हैं, शिकायत करेंगे तो हम उसकी जांच करवा लेंगे। इसमें ओबीसी और गैर ओबीसी जैसा कुछ भी नहीं है। भाई बहन आपस में उसका है, जो जिस पति के साथ गई है वो भी ओबीसी समाज से है और जिस वर्तमान पति भी ओबीसी समाज से, उसके भाई भी ओबीसी समाज से है। जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनका आरोप है कि जो नरेश लोधी नाम का लड़का था, जब अपनी बहन से मिलने आया तो पुलिस प्रशासन ने उसकी मारपीट की, इसके कारण उसको बाकी जो भी बता रहे हैं तो हम उसकी शिकायत की जांच कर लेंगे। उस लड़की की मारपीट की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? मारपीट कहना गलत है, जब उसका मेडिकल कराया तो कोई चोट नहीं रही है। जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग है कि थाने में जो सीसीटीवी कैमरा लगे उनकी फुटेज मांग रहे हैं, यदि मारपीट नहीं हुई है तो वो उसमें दिख जाएगा। वो जांच के दौरान हम उसको भी दिखवाएंगे, उसकी भी जांच करेंगे। इन सब कुछ लोगों ने वहाँ पैसे लेने का आरोप लगाया है और बताया है कि यहाँ के थाना प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं वो, तो उनकी हम उसकी जाँच कर लेंगे, प्रमाण दें हम उसकी जाँच कर लेंगे।